यानी उससे अगर हाइब्रिड सीड बनाना हो, मस्टर्ड का कोई भी सीड है वो हाइब्रिड बनाना हो, तो उसके लिए कौन कौन से जो विधियाँ हैं या फिर कौन कौन से मेथड है वो लागू होते हैं, उनके बारे में अपने आज बात करेंगे। तो मस्टर्ड की हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के बारे में अपने बात करेंगे, यानी हाइब्रिड सीड उत्पादन जिसे कहते हैं अपने संकर बीज उत्पादन। संकर बीज उत्पादन की बात करें तो क्या है, मस्टर्ड में तीन तरह के जो मेथड होते हैं वो लागू होते हैं। जैसे पहला है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या अनुवांशिक नर बंध्यता जिसे कहते हैं, वो हो गया, ठीक है। दूसरा है जिसे बोलते हैं अनुवांशिक नर बंध्यता, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि ऐसे मेल जिनमें क्या है, जिनका साइटोप्लाज्म है, या फिर अपने कह सकते हैं साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी, मेल जो प्लांट है उनका साइटोप्लाज्म है उसमें स्टेरिलिटी पाई जाती है, बंध्यता पाई जाती है। दूसरा है जेनेटिकली इंजीनियरिंग मेल स्टेरिलिटी, यानी उसकी जो इंजीनियरिंग जेनेटिक है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें किसी प्रकार की स्टेरिलिटी पाया जाना, मेल की स्टेरिलिटी पाया जाना, नर का बंध्यता पाए जाने वाले प्लांट का चयन करके। इसमें ज़्यादातर अपने कह सकते हैं मस्टर्ड में मेन जो अपने कह सकते हैं ए लाइन और आर लाइन मेथड जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने में। तीसरा जो है वो केमिकल हाइब्रिडाइजेशन एजेंट, यानी जितने भी केमिकल है उनका यूज करके हाइब्रिड सीड बनाना, यानी उनकी जीनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसमें हेर फेर कर देना, जिससे क्या हो गए या फिर उनमें कोई अदर जीन जो रेसिटेंस प्रदर्शित करने वाले हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे करके क्या है उनको हाइब्रिड सीड जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जिसे बोलते हैं अनुवांशिक नर बंध्यता। अनुवांशिक नर बंध्यता की बात करें तो इसमें क्या होते हैं टू टाइप के क्या है अनुवांशिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, जिसमें से एक होता है रिसेसिव और एक होता है डोमिनेट, जैसे कि अप्रभावी और प्रभावी, जिसे अप्रभावी और प्रभावी जीन के नाम से भी जाना जाता है। दो अपने कह सकते हैं इसके जीन्स पाए जाते हैं, एक होता है रिसेसिव और एक होता है डोमिनेट जीन। इसके अलावा आपने कह सकते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसमें क्या है स्टेबल होती है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, यानी इससे क्या है अपने साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का भी यूज करके हाइब्रिड जो सीड है उसका उसकी जो फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेरिलिटी लाइन जो है उसको क्या है अपने रिसेसिव जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उससे क्या करवाए जाते हैं नई वेराइटियाँ हैं उनकी रिपोर्टेड की जाती है, यानी अपने कह सकते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वाले जो जीन हैं उनको रिसेसिव जीन को आगे उभार कर, जैसे मान लो बोनेपन का जीन है तो वो क्या हो गया एक रिसेसिव जीन, अपने को पता है जो कैपिटल अक्षर से शो होता है या फिर जो छोटे अक्षरों से शो होता है वो कौन सा हो गया रिसेसिव, जैसे मान लो ए है तो ये क्या है डोमिनेट जीन है और ये वाला ए है ये क्या है रिसेसिव जीन है। रिसेसिव जीन को हमेशा ही अपने कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है, और डोमिनेट को स्मॉल से लिखेंगे। तो अपने जो रिसेसिव जो जीन है उनको क्या है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वाली वेराइटी है उनमें रिपोर्टेड किया जाता है, उनमें उनको समावेशित किया जाता है। उसके बाद क्या है उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, बैक क्रॉस करवाया जाता है किससे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाली जो स्टेरिलिटी इनकम्प्लीबिलिटी होती है, SI का मतलब क्या हो गया सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी, उस लाइन से क्या होता है क्रॉस करवाया जाता है। उससे क्रॉस करवा के क्या है एक नया पौधा जो होता है या नए गुण वाले जो पौधे होते हैं उनको तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है लिंकेज जो होती है वो हो जाती है, यानी जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं आपस में लिंक हो जाते हैं, जिनसे उनकी मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के जितने भी जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं म्यूटेंट कर जाते हैं, यानी अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे क्या होती है ब्रीडिंग मेथड में अपने को बहुत आसानी से एक नई वेराइटी मिल सकती है। ये जो मेथड होता है सबसे ज़्यादा क्या है यूज होने वाला है और जो ब्रीडिंग है उसमें क्या है बहुत अपने कह सकते हैं ब्रीडिंग में तो क्या है इसे यूज किया हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या पोटेंशियल जो हाइब्रिड है उनको बनाने में तो इसका यूज किया जाता है, लेकिन क्या है मार्केट की सिस्टम जो है मार्कर सिस्टम जो है जिसमें जीन को मार्क किया जाता है उस सिस्टम में क्या है ये मेथड जो होता है वो लागू नहीं होता। इसके अलावा इसकी अपने देखें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था बी नेपस
किसमें डिस्क्राइब किया गया, यानी कौन सी वेराइटी है ब्रैसिका की जिसमें इसको डिस्क्राइब किया गया, तो वो है ब्रैसिका नेपस जो है उसमें सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद किसमें किया गया, ब्रैसिका जोसिका जो है उसमें क्या है, इस मेथड को लागू करके F1 जो जनरेशन है वो हाइब्रिड बनाएगी, साथ में सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप बनाएगी। यानी सबसे पहले इसे किसमें देखा गया, ब्रैसिका नेपस में देखा गया, उसके बाद ब्रैसिका जोसिया जो है उसमें ओपन क्या है इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो पाई गई। उसके बाद इससे क्या है, जो F1 हाइब्रिड बनाया गया था वो क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप बनाएगी। यानी अपने को पता है ब्रैसिका फैमिली है, तो ब्रैसिका फैमिली में क्या पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, पहली एक हाइब्रिड ऐसी किस्म थी जिसमें सेल्फ पोलिनेशन जो होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो फर्स्ट साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी बेस्ड वेराइटी है वो है ब्रैसिका नेपेरिस की क्यूयोन नंबर 2, और इसे रिलीज कहाँ किया गया, चाइना में किया गया था। कब किया गया था, 1985 में इसे क्या है रिलीज किया गया था। यानी किसकी वेराइटी है, ये ब्रैसिका नेपस की वेराइटी है, क्यूयोन नंबर 2 वेराइटी है, और इसे कहाँ पे रिलीज किया गया था, चाइना में, और सन कौन सा था, 1985 में इसे क्या है रिलीज किया गया था। इसके अलावा आपने देखें कि जो गोभी सरसों होती है, फूल गोभी जिसे कहते हैं, उसकी हाइब्रिड वेराइटी है PGS H51। ये जो वेराइटी है किससे बनाएगी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो मेथड है वो लागू करके ये हाइब्रिड वेराइटियाँ जो है वो बनाएगी, यानी PGS H51। और ये क्या है, फर्स्ट ऑयल सीड वाली ब्रैसिका रिलीज्ड फैमिली अपने कह सकते हैं, ब्रैसिका रिलीज वाली फैमिली है जो इंडिया में रिलीज की गई थी। इसके अलावा ब्रैसिका जोसिया जो है उसकी 2 हाइब्रिड वेराइटी हैं, DMH जिसे साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी 126-1 के नाम से भी जाना जाता है, या फिर NRCHB506 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों वेराइटी जो है उसके बाद रिलीज की गई वेराइटी है। दूसरा जो मेथड है जिसमें क्या है अपने कह सकते हैं किसका यूज करके साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी सिस्टम के द्वारा क्या है जो सीड है हाइब्रिड वो बनाएंगे, उसके बारे में अपने देखेंगे। तो बेसिकली अपने देखते हैं कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने हाइब्रिड सीड बनाते हैं, जिसका क्या है मल्टीप्लिकेशन किया जाता है साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी लाइन में। यानी जो अपनों ने जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लाइन से हाइब्रिड जो बनाई है, जो वेराइटी हाइब्रिड बनाई है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लाइन से, उनको क्या किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है, उनका द्विगुणन जिसे अपने कहते हैं वो किया जाता है किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा। यानी पहले क्या थी, उनमें सिर्फ मेल जो अपने कह सकते हैं जीन थे, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक थे, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसका DNA या फिर जीन अपने कह सकते हैं, तो वो कौन भी क्या है स्टेरिलिटी वाले जीन थे, यानी उसके मेल थे वो बंदे थे। लेकिन उसके बाद इनका ग्रो या मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे किया गया, साइटो यानी ऐसे वेराइटी जिनका साइटोप्लाज्म या ऐसे जीन जिनका साइटोप्लाज्म है वो बद्य प्रकार का पाया जाता है, उनसे क्या है मल्टीप्लिकेशन करवाया गया। उसके बाद क्या है इनके पास साथ क्या है क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया, जिसमें क्या है जैसे मैंने अभी बताया था कि ए लाइन जिसे अपने बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी, या फिर आर लाइन जिसे बोलते हैं रीस्टोर लाइन। मेल स्टेरिलिटी यानी सबसे पहले मेल जो स्टेराइल मेल जिसका अपने क्रॉस में यूज किया जाता है, और दूसरा अपने कह सकते हैं जिसका जो अपने पोलन लेते हैं, आर कौन से होते हैं जिनके पोलन कलेक्ट करके उनसे क्रॉस करवाया जाता है वो कौन से हो गई, आर लाइन कहते हैं। ए लाइन जिनके पोलन को कट किया जाता है या फिर जिनके पोलन को हटाया जाता है वो कौन से हो गए, ए लाइन। आर लाइन वो जो जिनके पोलन कलेक्ट करके क्या है उस स्टिग्मा पे छिड़काव किए जाते हैं वो कौन से हो गए, आर लाइन। इन दोनों मेथड का क्या है यूज किया जाता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में। F1 जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है वो क्या है क्रॉस पोलिनेशन द्वारा की जाती है, जिसमें क्रॉस करवाया जाता है ए लाइन का किसके साथ, आर लाइन के साथ, यानी किस ए लाइन विथ पोलन, ए लाइन है समेत पोलन के, और किससे, आर लाइन का सेल्फ फर्टाइल जो अपने कह सकते हैं अपने आप से फर्टाइल होने वाले जो जीन्स होते हैं उनसे पोलन्स होते हैं उनका क्या है क्रॉस करवाया जाता है। इसके अलावा आपने कह सकते हैं इनका कॉम्बिनेशन अगर देखें तो क्या गुड सेट जो बन सकता है मेल स्टेरिलिटी लाइन का, यानी एक ग्रुप बन सकता है अपने पास, एक सेट प्राप्त हो सकता है इस मेथड के द्वारा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो है उसके द्वारा। इसके अलावा आपने कह सकते हैं मेल रो होती है उसको क्या कर दिया जाता है, अलग रोप दिया जाता है, अलग बो दिया जाता है, और रैप इंक्रीज है उसे क्या है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा क्या है पोलिनेशन जो होता है वो रह जाता है। यानी मेल जो है उनका एक लाइन में कल्टीवेशन कर लिया जाता है, फिर क्या है उनके जो अपने कह सकते हैं रोप इंक्रीजेस है, ये जो है रोप इंक्रीजेस है वो विंड के द्वारा हवा के द्वारा क्या है बढ़ाई जाती है पोलिनेशन में। हाई पोलिनेशन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है ब्रीडर 2 से
चार के बीच लगता है और किसके द्वारा लगता है, आर लाइन के द्वारा। इसमें क्या है, ग्रो करवाता है जितनी भी अराउंड अपने कह सकते हैं फील्ड है उसमें। इसके अलावा ग्रोविंग आर एंड ए एंड आर लाइन, यानी पहले उनको क्या है, ग्रो करवाया जाता है आर और ए लाइन को। कितने अपने कह सकते हैं अल्टरनेटिव स्टेप रखा जाता है, जैसे मान लो पहले ए लाइन रख दी, उसके बाद आर, फिर ए और फिर आर, अल्टरनेट स्टेप में इनको रखा जाता है। और कितनी इनकी दूरी रखी जाती है, 1.2 से 1.5 एम के बीच क्या है, इनकी दूरी रखी जाती है। एक लाइन होती है उसके बीच में मान लो या तो 1.5 है या फिर 1.2 है, इस टाइप से क्या है इनके बीच में दूरी रखी जाती है, ए लाइन से आर लाइन की दूरी जो होती है। मोस्टली अपने कहते हैं इसमें जो सोर्स होता है, यानी साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी का जो सोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, उग्राह जो होते हैं, उग्राह जिसे अपने कह सकते हैं, ये इसका क्या है, सोर्स माना जाता है। छोटे क्वेश्चनों में क्या है इसे पूछ सकते हैं, साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी में मस्टर्ड का सोर्स कौन सा होता है। अब है केमिकल हाइब्रिडाइजेशन एजेंट, यानी केमिकल अगर मेथड यूज़ करके अपने हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो कौन कौन से केमिकल है इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो तीन जो केमिकल है उनका मेनली अपने यूज़ किया जाता है, DBX 3778, ठीक है, इरिथ्रोल और GA3 जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो किसका किया जाता है, GA3 का किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं इनमें क्या होता है, कितनी मात्रा लेते हैं, तो लगभग अपने कह सकते हैं 2000 से 3000 PPM जो इरिथ्रोल है उसको 3 टाइम तक क्या है फ्लोरिंग पे छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे एंथर जो होते हैं वो क्या होता है रिलोड अपने कह सकते हैं स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। 4 दिन बाद क्या है इन्हीं पोलन को क्या है अपने क्या करते हैं हटा देते हैं, और उनके कंपेरिजन अपने जितने अपने पास जो मेल अपने इकट्ठे किए हैं या 90% जो पोलन अपने पास इकट्ठे हुए हैं उन मेल स्टेरिलिटी वाले प्लांट जो होते हैं उनका प्रोडक्शन जो है अपने कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस थी सबसे पहले अपने कह सकते हैं चाइना में की गई थी, जिसमें मेल गैमेटोसाइट्स नंबर 1 का यूज किया गया था सबसे पहले, और हाइब्रिड जो वेराइटी सीड प्रोडक्शन किया गया था वो किसमें किया गया था, ब्रैसिका नेपस जो वेराइटी है उसमें किया गया था। हाइब्रिड वेराइटी जो है वो कौन सी है, स्नेजा नंबर 2 वेराइटी जो है इसकी हाइब्रिड है, और कब रिलीज की गई, 1990 में क्या है इसे रिलीज किया गया था। अब है मेल फीमेल रेसो, यानी मेल और फीमेल का रेसो जो है वो कितना रखना चाहिए। मेल और फीमेल का रेसो अगर अपने देखें तो क्या है, 2:4 रख सकते हैं, इससे कम रखना हो तो 1:2, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा रखना हो तो 1:, या मेनली अपने कह सकते हैं 1:4 से लेकर 2:4 तक क्या है इनका रेसो जो है अपने रख सकते हैं, यानी मेल जो है वो कितने, 1 और फीमेल 4, यहाँ पे मेल जो है 2 और फीमेल 4। फीमेल की संख्या हमेशा ही क्या है ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि अपने को पता है एक एंथर जो होता है उसमें पोलन ग्रेन होती है उनकी संख्या क्या है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और एक जो फीमेल होती है उसमें जो स्टिग्मा होती है वो क्या है केवल एक ही पाई जाती है, उसमें कार्पल की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अपने ब्रैसिका की बात करें तो ब्रैसिका जो फैमिली है इसमें ओव्यूल तो एक ही पाया जाता है, लेकिन कार्प्स की संख्या कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। इस अकॉर्डिंग क्या है ब्रीडर अपने हिसाब से क्या है इनमें मेल और फीमेल का जो रेसो होता है वो डिसाइड करता है। अब है कि जो ब्रैसिका नेपेरिस है उसमें मैक्सिमम सीड सेट जो है उनको तैयार करने के लिए, हाइब्रिड सीड यील्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनका जो दूरी है वो कितनी रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी मेल और फीमेल की, मेल जो है वो 2 और 4 फीमेल रख रहे हैं। इन रेसो को लिखते हुए एक रो से रो की जो दूरी होती है वो कितनी रखी जाती है, 30 cm जो है इसकी दूरी रखी जाती है। इसके अलावा यही है इनका रेसो जो है वो किस तरह से क्या है इनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज करता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि फीमेल है उसमें स्टिग्मा एक ही होती है, और स्टिग्मा होती है वो एक बार में एक ही पोलन ग्रेन को क्या करती है, जर्मिनेट करती है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग क्या है इनका रेसो जो होता है वो डिसाइड किया जाता है, कितना रेसो कौन सी फैमिली में या कितना रेसा कौन सी वैरायटी जो है। ब्रैसिका में नॉर्मली अपने कह सकते हैं इसका जो फ्लावर है वो क्या है, टेट्रामर है। टेट्रामर फ्लावर होने के कारण क्या है, इसमें जो पोलन एंथर की संख्या है वो अपनों ने पढ़ी थी कि इसमें 6 एंथर इसमें पाए जाते हैं, और कार्प की संख्या कितनी होती है, 2 इसमें क्या है कार्प पाए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है इनका रेसो जो होता है वो डिसाइड किया जाता है, अलग अलग फैमिली के अकॉर्डिंग क्या है मेल और फीमेल का रेसो डिसाइड किया जाता है। जैसे मटर वाली फैमिली है उसका मेल और फीमेल का रेसो होगा वो थोड़ा अलग होगा, उसमें क्या होगा फीमेल और मेल का जो रेसो होगा लगभग सेम रखा जाएगा। अब है कि मेल और फीमेल की जो प्रेजेंस है उसमें क्या है, कितने अपने कह सकते हैं इंडिटर्मिनेट फ्लोरिंग है, उनकी हैबिट कैसी हो, जैसे फ्लावर की हैबिट देखते हैं अपने,
तो इनडिटर्मिनेट प्रकार का फ्लावर होता है। इनडिटर्मिनेट प्रकार का मतलब इनकी जो वर्दी होती है, जैसे अपनों ने पता था पढ़ा था कि इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है, रेसिमोस टाइप का होता है, यानी इस टाइप से क्या होते हैं फ्लावर जो होते हैं उसके ब्रांचेज निकलते रहते हैं और फ्लावर ऊपर की साइड लगते रहते हैं। तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेट प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी इनकी वर्दी जो होती है वो असीमित पाई जाती है इसमें सरसों में या मस्टर्ड में। फीमेल पेरेंट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग अगर कंपेरिजन देखें तो पोलन जो प्रजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने उसकी हाइब्रिड सीड जो होती है उसका सेट बना सकते हैं। इसके अलावा इनका क्या है, जितने भी मेल और फीमेल पेरेंट्स लेते हैं उनका रेसो अकॉर्डिंग रखते हुए उनकी कितने पोलन जो ग्रोथ है, पोलन की यानी मान लो कोई वेराइटी है उसकी पोलन जो है उसके जर्मिनेटन की क्षमता है जो वो कम है तो अपने क्या करेंगे उसके रेसो क्यों भी क्या है थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। अब है फील्ड इन्फेक्शन। फील्ड इन्फेक्शन यानी अपने को खेत कैसा चाहिए मस्टर्ड के लिए। खेत की अगर अपने बात करें तो अपने सबसे पहले बात करते हैं इसमें फास्ट इन्फेक्शन में इसकी फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग, यानी इसमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है तो डेसिक इनकी जो दूरी होती है डिस्टेंस होता है वो कितना कितना रखा जाता है और कितने कितने एरिया में क्या है प्लांट को जो है बोया जाता है, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी जो होती है वो कितनी ढंग से रख सकते हैं, यानी अपने पास कितना जो खेत है यानी अपने को कितनी मात्रा में एक हाइब्रिड सीड जो है वो बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है अपने खेत का चयन करते हैं या फिर फील्ड का चयन करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, फ्लोरिंग के पोलन की जो सेटिंग है उसको या फिर ऑफ टाइप के जो प्लांट हैं उनको ध्यान में रख के क्या है अपने फील्ड का चूज करते हैं। तीसरे के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, इसमें हाइब्रिड जो प्लांट है उनको पोलन जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है उसके बाद उनको हार्वेस्ट करके क्या है उनकी पोड या फीमेल लाइन है या फिर सीड चार्ट है उनके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग फील्ड के फील्ड का चयन किया जाता है। अब है इनकी सिलेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कैसा जो फील्ड है उसका चयन करना चाहिए। फील्ड का चयन करते हुए अपने क्या देखते हैं, यानी अपने को हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देखनी है तो सबसे पहले अपने देखते हैं सोइल, यानी सोइल टेम्परेचर कितना है, सोइल वाटर कितना है, उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से पाए जाते हैं अपने। कई बार ऐसे होता है कि सोइल में न्यूट्रिशन की कमी होती है, सोइल में न्यूट्रिशन की कमी होने से क्या होगा कि उसमें जो फ्लावरिंग स्टेज आएगी तब तक क्या है प्लांट सूखना शुरू कर देगा, यानी ग्रो करना जो है वो कम कर देगा। आइसोलेशन जो दूरी होती है यानी एक दूसरे से कितनी दूरी पे अपने रख सकते हैं तो लगभग 1500 एम की दूरी पे क्या है एक स्पीसीज को अपने एक फील्ड में बो सकते हैं। इसके अलावा अपने कह सकते हैं रैप सीड है उस क्रॉप के लिए क्या है तीन प्रीवियस ईयर्स यानी तीन ईयर्स तक खाली जो ज़मीन पड़ी रहती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं अपने, तो तीन साल पुराने जो अपने कह सकते हैं पड़ी हुई ज़मीन है या सोयल है उसमें क्या है इसको ग्रो करवाया जाता है जिससे क्या है उसमें न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिल सके और उसकी यील्ड जो है वो भी क्या है काफ़ी अच्छी प्राप्त अपने को हो सके। अब है सीड रेट या सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सीड रेट की अपने बात करते हैं तो ए लाइन मेल स्ट्रेली और आर लाइन यानी जिनके पोलन अपने को लेने हैं वो वाले स्ट्राइल्स प्लांट होते हैं। मेल फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं 1875 ग्राम अपने सीड लेते हैं। दूसरी लाइन आर लाइन बोएंगे तो क्या है आर लाइन ए लाइन जैसे अपने मैंने अभी बताया था कि अल्टरनेट स्ट्रक्चर में बोया जाता है जैसे ए आ गया फिर आर आ गया फिर ए आ गया ठीक है। तो मान लो ए लाइन में कितने हैं 1875 ग्राम सीड लेते हैं तो आर में कितने लेंगे 875 ग्राम सीड जो होते हैं वो लेते हैं। इसी तरह से क्या है इनका भी क्या है अपने बार बार से कर सकते हैं सीड का। अब है टाइम मेथड क्या होगा इसके बोने का टाइम क्या होगा। जैसे अपने को पता है कि सरसों का बोने का जो टाइम होता है वो क्या होता है 10th से लेकर 31 अक्टूबर क्या होता है इसके बीजने का टाइम होता है बोने का टाइम माना जाता है। फीमेल और मेल का रेसो अभी पढ़ा था 4:2 यानी 4 क्या होंगे इसमें मेल होंगे और 2 होगी इसमें फीमेल सॉरी 2 होंगे मेल होंगे और 4 होंगे वो क्या होंगे फीमेल ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी रखी जाती है रो से रो की 30 सेमी जो है इनकी बीच की दूरी रखी जाती है। प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेमी रखी जाती है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं सीड प्रोडक्शन टेक्निक में क्या कर दिए जाते हैं एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर में बो दिए जाते हैं जिससे पोलन जो है वो क्या है क्रॉस पोलिनेशन इसमें पाया जाता है। क्रॉस पोलिनेशन पाए जाने के कारण क्या है जो पोलन होते हैं वो एक प्लांट से या फिर एक स्टिग्मा से दूसरे स्टिग्मा पे आसानी से जा सकते हैं। अब है इसकी रोगिंग कैसे की जाती है। रोगिंग की बात करें तो इनको अलग निकालने के लिए क्या है पेरेंटल लाइन जो है इसके लिए अपने को 2 से 3 टाइम तक क्या है इसकी फ्लोरिंग जो है उसके परिपक्वन के बेस के आधार पर इनका
पेरेंटल लाइन जो है उनका चूज किया जाता है, यानी पहले किसको क्या करना है शो करना है। इसके अलावा अपने पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पोलन जो है उनको हटा देंगे फ्लावरिंग की ओपनिंग के, यानी ए लाइन जो है, ए लाइन के जो एंथर है उनको क्या है, एंथेसिस होने से पहले ही, एंथेसिस होने की जस्ट प्रोसेस के बाद ही क्या है हटा दिया जाता है। जैसे एंथेसिस का टाइमिंग अपनों ने पढ़ा था कि इसका क्या है 6 से 10 के बीच का क्या है टाइम माना जाता है, 6 से 10 AM के बीच का टाइम माना जाता है। तो उस टाइम जैसे इसकी फर्स्ट फ्लावर की ओपनिंग होती है उसी टाइम क्या होती है, ए लाइन वाले जो फ्लावर होते हैं, ए लाइन के फ्लावर होते हैं उनके एंथर को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। उसके बाद जितने भी उसमें माइक्रो अपने कह सकते हैं खरपतवार वगैरह होते हैं उनको क्या है उसमें से हटा दिया जाता है। जिससे क्या है, जैसे ब्रैसिकेसी के भी बहुत सारे खरपतवार होते हैं ब्रैसिकेसी फैमिली के, वो क्या करते हैं उसकी स्टिग्मा पे जाके क्या है पोलिनेशन की प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो उनको भी क्या है उसके साथ साथ में, या उनकी फ्लावरिंग को भी क्या है इसके साथ में हटा दिया जाता है। इसके बाद है इसका जो सीड निकाला जाता है, या फिर येलो ब्राउन हार्वेस्टिंग क्रॉप है उसके सीड को कैसे निकाला जाता है, उसके पोड को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अपने बात करेंगे पहले इसकी पोड की अकॉर्डिंग, यानी कि कौन सी रो में अपने को पोड की लंबाई अच्छी लग रही है, पोड को देखिए अपने उसमें जो सीड है उनकी मोटाई उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने एक पोड को देख लेंगे भी कि इसके सीड कैसे हैं उस अकॉर्डिंग क्या है, इनको अलग अलग लाइन को अलग अलग से हार्वेस्ट किया जाता है, उनको निकाला जाता है। तो ये हो गए इसमें सीड प्रोडक्शन की टेक्निक। तो इसी के साथ अपना जो मस्टर्ड क्रॉप है, मस्टर्ड क्रॉप में हमने सीड प्रोडक्शन टेक्निक कौन कौन सी लागू होती है, 4 मेथड लागू होते हैं वो पढ़ लिए थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोरिंग बायोलॉजी, इसके अलावा इसकी वैरायटी कौन कौन सी है, ब्रीडिंग मेथड और ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से सरसों में लिए जाते हैं। सबसे पहला अपने ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या इसमें ऑयली क्रॉप है, तो ऑयल के लिए क्या है इसको कल्टीवेशन किया जाता है। तो इसी के साथ अपनी मस्टर्ड जो क्रॉप है वो समाप्त होती है। थैंक यू।